एक्सरसाइज 6.3 का आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि कह रहा है साबित करें कि कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 कॉट 2 ए इंटू कॉसेक 2 ए। तो इसका देखिए सॉल्यूशन में पहले एलएचएस ले लेंगे, जो कि है कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए की जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए जो है साइन स्क्वायर से गुना होकर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर से गुना होकर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे साइन साइन ए और कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो हम जानते ही हैं, और कॉस टू ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन टू ए इक्वल टू होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे वन लिख देंगे इस फॉर्मूले से, और देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे लिख देंगे कॉस टू ए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा देखिए कॉस टू ए अपॉन वन बाई फोर इंटू टू साइन ए कॉस ए। यहाँ पे वन बाई फोर से अपने मन से गुना करेंगे, और टू से यहाँ पे अंदर अपने मन से करेंगे इसको इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे वन बाई फोर से गुना किया और टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, यानी फोर फोर कैंसिल हो जाएगा तो यही बच जाएगा। तो इसको फॉर्मूले पे सेट करने के लिए ऐसा गुना कर दिए, फिर हो जाएगा फोर कॉस टू ए अपॉन साइन स्क्वायर टू ए। इसके बाद हो जाएगा फोर कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए इंटू साइन टू ए, साइन स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेंगे साइन टू ए इंटू साइन टू ए फॉर्म पे। इसके बाद देखिए फोर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए फोर कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए को लिख देंगे फोर कॉट टू ए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म पे है तो यहाँ पे लिख देंगे फोर कॉट टू ए, और देखिए वन अपॉन साइन टू ए है जिसको लिख देंगे कॉसेक टू ए, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। तो देखिए फोर कॉट टू ए इंटू कॉसेक टू ए जो कि आर एच एस में है, और ये प्रूव होता है।